नमस्कार, आप सबको इस वीडियो में स्वागत है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस बटन को टच कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलते रहें। 1 अप्रैल 2020 से जो है डीडी फ्रीडिश की जो सेट टॉप बॉक्स है उसमें कुछ चैनल का चेंजेस हुआ है। बहुत सारे जो नए नए चैनल्स है वो आया है। आप अगर MPG-4 सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं या फिर MPG-2 सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं तो दोनों ही सेट टॉप बॉक्स में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो नए नए चैनल्स है वो आ रहा है। जो MPG-4 सेट टॉप बॉक्स है उसमें भी मिलेगा, क्योंकि ये जो ई ऑक्शन हुआ था और जो नए चैनल्स का जो आने का जो किया था वो MPG-2 सेट टॉप बॉक्स के लिए था, लेकिन MPG-4 और MPG-2 दोनों ही सेट टॉप बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको नए चैनल्स नहीं मिल रहा है या फिर नए चैनल्स नहीं देख पा रहे हैं तो आप सबको बता दूं कि आप जो नए नए चैनल्स हैं उसको कैसे आपके सेट टॉप बॉक्स में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं जो मेनू बटन है, मेनू बटन को आप प्रेस कीजिएगा तो इस तरह का पेज आ जाएगा। उसके बाद जो भी पुराने चैनल्स हैं उनको आप ऑल डिलीट कर दीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है, चैनल्स आपको दोबारा मिल जाएगा। तो यहाँ ओके करके जो भी चैनल्स है वो सभी चैनल्स को हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपको आना है इंस्टॉलेशन में। मिडिल में जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए इंस्टॉलेशन, यहाँ आके आपको एंटेना सेटिंग में ओके करना है। आपके रिमोट में ही सब कुछ है ऑप्शन। यहाँ आपको ओके करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। उसके बाद जहाँ सैटेलाइट लिखा है नीचे, इसको आपको रिमोट की जो साइड का बटन है वहाँ साइड का बटन को प्रेस करके आपको इसको ब्लाइंड कर देना है। ब्लाइंड कर देने से क्या होगा, जितने भी नए चैनल्स है या फिर जो भी एक्स्ट्रा चैनल्स है वो सभी चैनल्स आ जाएगा। ब्लाइंड करने के बाद ओके कीजिएगा तो इस तरह का पेज आएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो FTA ओनली नो लिखा है इसको आपको यस करना है। FTA ओनली मतलब है फ्री टू एयर चैनल्स। इसको अगर नो रखेंगे तो जितने भी पेड चैनल्स है, डॉलर निशान वाला चैनल्स है जो पैसा दे के देखना पड़ता है, वो भी चैनल्स आ जाएगा और आप वो चैनल्स नहीं देख पाएंगे। तो इसको यस कर देंगे तो जितने भी फ्री चैनल्स है वो सभी फ्री चैनल्स आपके सेट टॉप बॉक्स में आएगा। उसके बाद सर्च में आके ओके प्रेस करना है। रिमोट में ओके प्रेस करते ही आपके सेट टॉप बॉक्स ऑटो स्कैन शुरू हो जाएगा। इस तरह से वीडियो को हम काट नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है सही तरह से समझ पाए। तो इस तरह से जो है आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो दोबारा ऑटो स्कैन हो जाएगा और जितने भी नए चैनल्स है या फिर पुराने जो भी चैनल्स है प्रेजेंट में वो सभी चैनल्स आपके सेट टॉप बॉक्स में ऑटो स्कैन होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं एक एक करके सभी चैनल्स आ रहा है, उस तरह से सभी चैनल्स आपके सेट टॉप बॉक्स में आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कनेक्शन है, मतलब डीडी फ्रीडिश का जो कनेक्शन है, ये बिल्कुल फ्री में मिलता है। आप लोग भी जानते हैं बहुत ही अच्छा एक DTH सर्विस है जो आपको फ्री में 150+ चैनल्स आपको प्रोवाइड करता है और बहुत ही अच्छा है। जिनके घर में डीडी फ्रीडिश लगा हुआ है वही जानता है इसका अहमियत क्या है। फ्री में आप लोग देख पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है ये डीडी फ्रीडिश का जो सेट टॉप बॉक्स है। और इनको लगाने के लिए अगर आप चाहें तो किसी भी नज़दीकी जो रिटेल शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहां जाके आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो ये सेट टॉप बॉक्स आप लगा पाएंगे। तो सभी चैनल्स आने के बाद इस तरह का एक पॉपअप नोटिस आएगा और ओके कर देना है। ओके करने से क्या होगा, सभी चैनल सेव हो जाएगा आपके सेट टॉप बॉक्स में। अब जिस तरह से आप चैनल्स देखते हैं उसी तरह से आप देखिए, जितने भी चैनल्स है वो सभी चैनल्स आपके सेट टॉप बॉक्स में आ गया है और जितने भी पुराने चैनल्स है वो भी चैनल्स आपके सेट टॉप बॉक्स में आ गया है। लेकिन कुछ चैनल्स जो है रिमूव हो गया है, क्योंकि जो ई ऑक्शन हुआ है उन ई ऑक्शन में कुछ पुराने चैनल्स जो है रिमूव हुआ है, उसके बदले में ही आप लोगों को जो है नए चैनल्स मिला है। तो चैनल्स का कुछ बदलाव हुआ है, तो जो नए चैनल्स और पुराने चैनल्स जो भी है वो सभी चैनल्स आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका सेट टॉप बॉक्स ऑटो स्कैन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप
ऑटो स्कैन कर सकते हैं आपके सेट टॉप बॉक्स को, या फिर आपके सेट टॉप बॉक्स किसी भी तरह से डिलीट हो गया चैनल्स सेट टॉप बॉक्स में, तो आप इस तरह से आपके सेट टॉप बॉक्स में दोबारा चैनल्स ले सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपके सेट टॉप बॉक्स को ऑटो स्कैन कीजिए तो सभी चैनल्स आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।